फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं अच्छे अच्छे किचन के आइटम्स, जिसमें एक दो आइटम ऑर्गेनाइजर से रिलेटेड भी हैं, आई मीन ऑर्गेनाइजेशन से भी रिलेटेड हैं, जो कि आपके घर को ऑर्गेनाइज करने में भी काम आएंगे। मतलब एक है ऐसा आइटम जो ऑर्गेनाइजर है, वो हम आपको लास्ट में दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में जो भी प्रोडक्ट्स हम आपको दिखा रहे हैं, इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एंड प्राइस क्वालिटी सब कुछ तो हम आपको बता देंगे अभी। और प्राइस आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा, आप देख लीजिएगा। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि मैम बोला करिए, तो मेरे को याद रहता है, तो हम आपको ज़रूर प्राइस बताते रहते हैं साथ साथ। इनकेस अगर हम आपको नहीं भी बताते तो स्क्रीन पर रहता है, तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एक कर दीजिएगा ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे और ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए। सबसे पहला प्रोडक्ट बहुत ही प्यारा सा एंड बहुत ही यूज़फुल आइटम हम आपको दिखाएंगे। ये है एक स्पून का सेट, जो कि वुडन स्पून है। ये बहुत काम आने वाले हैं आपके जो स्पाइसेस में, क्योंकि उसमें हमने स्पाइसेस के कंटेनर्स में हमें अलग अलग डाले होते हैं। मेरे लिए मतलब मेरे लिए तो यूज़फुल है ही, क्योंकि मेरे जो जो भी मसाले के कंटेनर हैं उनमें स्पून्स बहुत मतलब अलग अलग हैं, कोई कोई कलर के, कोई अच्छे, मतलब ऐसे ही कोई जो मिला वो डाल दिया उसमें वैसे हैं। तो इसलिए हमने ये एक स्पून का सेट मंगाया जो कि बहुत ही प्यारे हैं। ये देख सकते हो आप, इसमें इस तरह के शेप का एक स्पून मिलेगा और दूसरा इस शेप में मिलेगा, मतलब इन दो शेप्स में आपको ये स्पून्स मिलेंगे। बहुत काम आने वाले स्पून्स हैं ये। इनमें कितने पीसेस हैं वो भी हम आपको बता देते हैं, एक मिनट। ओके, तो आपको इस तरह के मिलेंगे 6 स्पून्स। ये देखिए 6 इस तरह के मिलेंगे और 6 ये वाले मिलेंगे। तो बड़े स्पाइसेस में आप ये डाल सकते हो, छोटे मसाले वाले जो पाउडर फॉर्म में होता है उनमें आप ये यूज़ कर सकते हो। तो बहुत अच्छी क्वालिटी है, जो इसकी जो मटेरियल है वुड मटेरियल है, लकड़ी की है, और बहुत ही अच्छी है, मतलब हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है ये। 50 रुपीज़ लगी है एडिशनल शिपिंग चार्ज, स्टिल प्राइस के हिसाब से आपको क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल रही है। 250 का है, ले सकते हो आप, काफ़ी अच्छा है, बहुत क्यूट सा आइटम है और बहुत यूज़फुल भी है, तो चेकआउट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट आइटम है मेरे पास एक ये बाउल है, जो कि बहुत अच्छा है, स्टील का बाउल है, काफ़ी बड़ा है। इसको हमने पहले भी एक बार ऑर्डर किया था, बट वो कैंसिल ही हो गया, मेरे तक पहुंचा ही नहीं, कैंसिल पहले ही हो गया पता नहीं क्यों। और उसमें हमने सेट ऑफ 3 ऑर्डर किया था, लेकिन इस बार हमने एक सिंगल पीस मंगाया है देखने के लिए कि कैसी आती है क्वालिटी। तो बहुत अच्छी आई है, सच्ची में बहुत अच्छी आई है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी किचन में, जो भी सब्जियाँ ज़्यादा सब्जी होती है धोने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आप इसमें आटा गूंदने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, आई थिंक आटे के लिए नहीं, कोई बैटर के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। बहुत ही अच्छा क्वालिटी है इसका, हाईली रिकमेंडेड है। इसको आप देखेंगे स्टील की क्वालिटी बहुत अच्छी है, आई थिंक आपको नहीं पता चलेगा देख के, लेकिन मेरे हाथ में हम आपको बता रहे हैं अच्छी क्वालिटी है, ज़रूर आप इसको भी चेकआउट करिएगा। स्क्रीन पे आपको इसका प्राइस दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइटम है मेरे पास एक ट्रे है, जो कि 3 इस तरह 3 सेक्शंस बने हुए हैं। सर्विंग के लिए बहुत अच्छा है, लकड़ी का है और बहुत ही प्यारा है, यूनिक है, डिफरेंट सा है। तो इसको आप गेस्ट कोई आ रहा है या फिर आप अपने डाइनिंग टेबल पे भी हमेशा रख सकते हैं इसमें कुछ चीज़ें डाल के। उसके अलावा आप इसको किचन में भी यूज़ कर सकते हो। ऑल ओवर पसंद आया मेरे को, आप भी इसको ले सकते हो, एंड इसको आप चाहें तो एज अ गिफ्ट ऑप्शन भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जिनको भी देंगे उनको पसंद ज़रूर आएगा, क्योंकि बहुत अफोर्डेबल भी है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इसकी, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइटम है बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली चीज़, वो है हमारे फ्रिज का ऑर्गेनाइज़र। फ्रिज में ऑर्गेनाइज़र हमें मतलब चाहिए ही होता है, अगर आपको अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज रखना है फिर तो ज़रूर लेना पड़ेगा आपको। तो ये एक अच्छा सा ऑप्शन हम लेके आए हैं आपके लिए। ये देखिए कुछ इस तरह से ना ट्रांसपेरेंट है और ये सेक्शंस बने हैं। अगर आप सेक्शंस नहीं चाहते तो आप इसको निकाल भी सकते हैं, ये एक अच्छी बात है इसमें। ये देखिए ये इस तरह का बन जाएगा, और चाहें तो आप सेक्शन इसमें लगा लीजिए ये वाला पार्ट, और इसमें 3 इस तरह के बॉक्स अलग अलग बन जाएंगे, जिसमें आप इसमें थोड़ी बहुत सब्जियां रख सकते हैं। उसके अलावा इसको निकालना भी काफ़ी आसान होगा, क्योंकि ये देखिए इस तरह से पकड़ने के लिए दिया गया है, तो आप इसको फ्रिज से निकालना लगाना वापस आराम से कर सकते हो, ठीक है। इसमें आएगा 2 पीसेस, ये 2 हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रिज में ही काम आएगा, इसको आप चाहें तो अपने वार्डरोब में भी यूज़ कर सकते हैं। वार्डरोब में भी आप अपनी जो भी चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें, हेयर एक्सेसरीज है,
या आपके छोटे छोटे सॉक्स हैं, आई मीन जो भी सॉक्स होते हैं वो सॉक्स डाल सकते हैं, या फिर हैंकीज अरेंज कर सकते हैं। इसको आप अपने अलमारी में भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप अपने फ्रिज में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं आप, आपको पसंद आएगा, आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। ठीक है, क्वालिटी अच्छी है, एक्रेलिक मटीरियल है, प्लास्टिक नहीं एक्रेलिक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है काफ़ी ज़्यादा क्यूट सा, ये इस तरह का एक बर्ड का जो प्लांटर है वो है। इसको आप अपने किचन में यूज़ कर सकते हो, मेरे को पसंद आया। किचन में प्लांट्स तो रखते ही हैं, मतलब काफ़ी सारे लोग पसंद करते हैं किचन में ग्रीनरी, तो प्लांट्स रखते हैं, तो आप छोटे छोटे प्लांट इसमें भी डाल के अपने किचन में सजा सकते हो। किचन के अलावा लिविंग रूम हो या फिर आपका कोई मतलब बैल्कनी वाला एरिया हो, कहीं पे भी आप इसको लगा सकते हो। बहुत लाइट वेट है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, तो ये भी आप ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइटम है मेरे पास एक ग्लास का सेट है। ये मग्स हैं, इसको हमने लास्ट वीडियो में भी एक दिखाया था, लेकिन वो विदाउट लिड था, एंड ये विद लिड है, आप देख सकते हो लिड के साथ है। वैसे तो एयरटाइट लिड है, लेकिन पता नहीं थोड़ा ढीला है, मतलब इतनी ज़्यादा टाइट लिड नहीं है, लेकिन देखने में बड़ा प्यारा आइटम है ये। इसको भी गिफ्टिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, घर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। ग्लास है, लिड का देख लीजिएगा, ये देखिए इसमें काफ़ी टाइट है, इसमें फिर भी टाइट है, ये थोड़ा सा लूज़ है, हाँ ये वाला लूज है, ये टाइट है, लेकिन स्टिल इट इज़ गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैरी नहीं कर सकते आप इसको कहीं ट्रैवलिंग में, अगर आप लेके जाना चाहते हो तो थोड़ा नहीं लेके जाइएगा, अवॉइड करिएगा, अदरवाइज घर पे यूज़ हो सकता है, अपने बच्चों के लिए या फिर आप खुद के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब आता है लास्ट आइटम जो कि हमने ऑर्गेनाइज़र बताया था आपको। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह की पैकिंग में आया है, ये एक्चुअली हमने अपने अपने बच्चों के रूम के लिए मंगाया है, जो कि लॉन्ड्री बैग होता है वो, ये वही है। लास्ट टाइम जो हम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं, अभी जो यूज़ हो रहा है मेरे पास बट वो ख़राब हो चुका है, इसलिए हमने इसको मंगाया है। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर है, रेड कलर में, और ये कुछ इस तरह का दिखता है, ये देखिए तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। काफ़ी अच्छा लगा मेरे को इसकी क्वालिटी, इसके ऊपर आपको लिड भी मिल जाएगा और इसके अंदर डालने के लिए एक फ्लैप मिलेगा, जिससे ये बहुत अच्छे से मतलब स्टडी हो जाएगा। इसी आइटम को पहले हमने अमेज़ोन में चेक किया, अमेज़ोन में ये महंगा था, मतलब अराउंड 450 का ऐसे कुछ था, लेकिन ये मेरे को मीशो में 350 का मिला, इसलिए हमने ले लिया। कुबेर इंडस्ट्रीज ब्रांड से है ये, और बहुत ही अच्छी है क्वालिटी, नॉन वोवन मटेरियल है, मेरे को पसंद आया। अगर आप भी देख रहे हो ऐसा कुछ अपने बच्चों के लिए, तो आई मीन उनके रूम के लिए, तो आप ट्राई कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे आपको हैंडल्स भी मिल जाएंगे, जिससे आप कैरी भी कर सकते हो। ये है इसमें, तो जो भी आप डालेंगे इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। ज़रूरी नहीं है कि कपड़े ही डालें, आपके बच्चों के बहुत सारे टॉयज़ भी होते हैं ना, जो टॉयज़ के लिए पूरा रूम ख़राब करते हैं बच्चे खेल खेल के, तो वो चीज़ें भी आप इसमें डाल सकते हो, जो कि बच्चों को ही आप सिखा देंगे कि हाँ खेल के इसमें डाल दें, तो फिर इसमें डाल देंगे वो, और बंद रहेगा तो पता भी नहीं चलेगा कि क्या है इसके अंदर। तो A1 प्रोडक्ट है, डेफिनेटली डेफिनेटली आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं, आई एम श्योर आपको ये भी पसंद आएगा ज़रूर। तो आज के लिए मेरे पास यही प्रोडक्ट्स थे, आई होप आपको पसंद आया होगा आज का वीडियो। वैसे तो सारे ही यूज़फुल प्रोडक्ट्स थे मेरे हिसाब से। आपके किचन में किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आज के वीडियो में आपको पसंद आया, आप वो ले सकते हैं। बस इसके लिए थोड़ा सा मेरे को डाउटफुल है लेना चाहिए या नहीं, ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसका लिड थोड़ा ढीला है। बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जो छोटे छोटे स्पून्स हमने आपको दिखाया, जो स्टील का बाउल दिखाया, वो मेरे को बहुत पसंद आया, तो आप भी ट्राई करिएगा, आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।